फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन एक पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में आ गई। इस वीडियो में सना मरीन जमकर मौज मस्ती करती नजर आ रही हैं और विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस दौरान ड्रग्स लिए थे। मतलब सना मरीन का पार्टी करने का वीडियो उनके लिए मुसीबत बन गया। इस वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ नाचते गाते और मस्ती करती दिख रही है। लेकिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री की ये मौज मस्ती वहां के विपक्ष को पसंद नहीं आई। उसने सना की आलोचना करनी शुरू कर दी। नौबत यह आ गई कि विपक्ष ने फिनलैंड की पीएम पर पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने का आरोप लगा दिया, लेकिन सना मरीन ने इसे इनकार किया। उन्होंने सुबह सुबह सफाई दी और विपक्ष के आरोपों को गलत ठहरा दिया। 36 साल की सना मरीन पहले भी कई पार्टियों में मस्ती करती नजर आ चुकी है, लेकिन इस बार उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा, जो गंभीर मामला है। इस वजह से सना ने सफाई दी। उन्होंने मीडिया के सामने पार्टी, डांस, गाना गाने और शराब पीने की बात मानी और विपक्ष को खरी खरी सुनाते हुए बोल दिया कि ये सब लीगल चीजें हैं और ड्रग्स जैसी गैर कानूनी चीज से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन विरोधी सना की बात को सच नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि टेस्ट करवाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सना मरीन पहले भी कई विवादों में रह चुकी हैं, कभी पार्टी तो कभी कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आने की वजह से उनका नाम अक्सर किसी न किसी विवाद से जुड़ जाता है। और दुनिया की सबसे यंग प्रधानमंत्री कही जाने वाली सना मरीन चर्चा में आ जाती हैं। इससे पहले विवाद में उनका नाम तब आया था जब वो एक नाइट क्लब में पार्टी करने गई थी और एक कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आ गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को आइसोलेट करने से मना कर दिया था और दलील दी थी कि उनका वैक्सीनेशन पूरा है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन इस बार उन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि उनका कहना है कि ड्रग्स लेने का आरोप गलत है और पार्टी करने और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना गलत बात नहीं है, क्योंकि हर शख्स की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और ये बात उन पर भी लागू होती है। इसलिए वो अपने तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं लाएंगी और जैसी थी वैसी ही रहेंगी।